चूँकि हम नए वीडियो के साथ, और आज मैं आपको एक टिप समझ लो, टिपी हाँ सर टिपी समझ लो कि मैं आपको बोलने वाला हूँ कि टिपी देने वाला हूँ कि आपको कैसे मतलब कस्टम एचडी रखने हैं, ड्रैग वन टैप आपको जो करना है वो कर सकते हो कस्टम एचडी से, और फास्ट व्यूअर डालना भी सीख सकते हो, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप होगा। क्योंकि तो गाइस बहुत महीनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी टिप्स एंड ट्रिक्स, उसके टिप्स एंड टिप्स में वो जूम इन जूम आउट, तो जूम इन जूम आउट के बाद गाइस फोर फिंगर मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो फोर फिंगर की मैं आपको कस्टम एचडी दिखाता हूँ। हाँ, आपको कस्टम एचडी दिखाता हूँ, फोर फिंगर खेलता हूँ मैं, मतलब आपको सबको पता ही होगा बस जेरी मेरी कस्टम एचडी। तो जैसे कि मैंने इधर रखा ये ग्रेनेड का मतलब लेवल का कि फास्ट को जैसे मैंने से मतलब थोड़ा सा भी वो दिया डैमेज लेवल पट से, तो वो क्या होगा कि इससे अपने लोग सीख सकते हैं जल्दी फास्ट ब्लू वॉल डाला, वो बहुत मतलब अच्छी बात है कि फास्ट ब्लू वॉल आपको डैमेज नहीं पड़ेगा। तो चलिए अपने लोग सबसे पहले सिंपली रैंक स्टार्ट कर देते क्लैश स्क्वाड। तो गाइस एक और बात कहना चाहूँगा कि गिव अवे में जल्दी 150 सब्सक्राइबर्स कर दो यार, गिव अवे के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। और गाइस कमेंट क्या करो यार, आप कमेंट नहीं करते सही में, और गाइस वो लाइक का बटन है ना वो दबा देना ज़रा, थोड़ी मेहरबानी हो जाएगी आपकी। सो गाइस देख सकते हो अब मैंने क्लैश स्क्वाड रैंक लगा दिया है, चलिए एक मिनट ये देखो। और आपको गाइस क्या करना है कि आपको अगर ड्रैग मारना हो तो क्या करने का, ये जो अपना जॉस्टिक होता है उसको पीछे ले जाने का, और ये जो फायर उसको ऊपर ऐसे खींच के देखो, ऐसे मैं आपको वापस दिखाता हूँ, मतलब वो टच हो रहा तो आपको पता चलेगा, ये देखो पता चला ड्रैग थोड़ा हुआ, चलो आपको किसी में दिखाता हूँ मैं। और गाइस जिसको मेरे साथ खेलने आ जाना संडे को, शायद मैं लाइव आऊँगा, शायद टाइम नहीं रहता अपने पास, क्या करें यार। बस एक और बात जल्दी से एक और बार मैं कह रहा हूँ 150 करा दो, ओ ओ ओ ओ ओ गाइस चलो नॉक हो गया, मैं पता नहीं क्या हुआ मेरा थोड़ा वो होता है लैग, बस जो मैं पहली बार मतलब पहले से थोड़ा अच्छा नेट एकदम इम्प्रूव हो चुका है, मेरा नेट बहुत अच्छा इम्प्रूव हो चुका है। तो गाइस एक और बात कहना चाहूँगा 150 एक और बार कह रहा हूँ वापिस जल्दी करा दो यार, मुझे गिव अवे करना है। और गाइस फास्ट ग्लू वॉल डालना सीख लो, क्योंकि आप जैसे ही मतलब बड़े बड़े पे आ जाओगे मतलब क्या बोलते हैं हाई रैंक पे आ जाओगे, फिर आपको ऐसे बंदे मिलेंगे तो आपको चार गोलियां मारेंगे पांच ग्लू वॉल बिछाएंगे और आपको डैमेज लगेगा डबल और उसको जीरो। तो गाइस ये सीखना पड़ेगा अपने को ग्लू वॉल डालना, ठीक है। अब कस्टम एचडी आप देख चुके हो, अब फोर फिंगर ट्राई करना है, सबसे पहले थ्री फिंगर फिर बाद में फोर फिंगर स्टार्ट करना है, ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट फोर फिंगर थ्री फिंगर, धीरे धीरे सीखने का। और अगर मैं प्रीफर करता हूँ कि गाइस ट्रिगर हो तो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको जमने तो, मैंने अपने फ्रेंड का लिया था तो गाइस मुझे ज़रा सा भी नहीं जमा, तो उसके लिए भी खेलने के लिए सीखना पड़ता है दो तीन दिन भाई, हाँ ऐसे। और फोर फिंगर क्या है किसी भी आओगे ऐसे ही, यही है कि थोड़ी मेहनत लगेगी एक दो दिन, फिर बाद में एकदम परफेक्ट हो जाएगा आपका फोर फिंगर। तो चलिए तो गाइस मेरे बीच में रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था, पता नहीं क्या हुआ। और एक और बात कहना चाहूँगा कि ये देखो आपको मैं एक बार ग्लू वॉल के वो बता देता हूँ कैसे, ये देखो क्या और ये हो गया ग्लू वॉल, मतलब ड्रैग भी हो सकता है और आप ऐसे भी बता सकते हो देखो। और मैं प्रीफर करूँगा अगर आप फोर फिंगर खेलो तो जंप का बटन अपने लेफ्ट हैंड में ही करना, अगर आप जूमिंग जूम आउट मारते हो तो फिर आपको राइट पे करना पड़ेगा जंप का, और लेफ्ट पे वो करना पड़ेगा। बहुत ओपी गेम चल रही है गाइस,
पीसा हो चुका है गेम मेरा, और पहले से बहुत अच्छा नेट चल रहा है मेरा। अगर मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ। ओके चलो गाइस, ये मर चुका हूँ अब मैं, है जब मैं मर चुका हूँ, एक ही बंदा बचा था, तो कोई बात नहीं, सबसे हार जीत होती रहती है। मतलब मैं तो कतई नूबड़ा प्लेयर हूँ, मैं अपने आप को गाइस ज़्यादा प्रो नहीं मानता, कस्टम एचडी पे निर्भर नहीं होता गाइस, अपन नेट पे निर्भर होता है। जैसे मेरा इसमें 300, 300, 400, 400 थोड़ा अच्छा है, नहीं वो वहाँ से थोड़ा अच्छा है, थोड़ा टट्टी यार। तो गाइस नेट थोड़ा इतना इम्प्रूव कर लो, अगर आपके पास अच्छा नेट नहीं है तो मैं तो देख सकते हो आप मैं हट गया हूँ। अरे बहुत दिनों बाद खेला तो गाइस मेरे हाथ नहीं बैठ रहे अच्छे से, फिर बाद में देखो भैया। गाइस देख सकते हो अब मैं डायमंड पे पहुँच चुका एकदम ओपी तरीके से। तो गाइस मैं फ्लैश कोड में ही पहुँचा हूँ क्योंकि वो खेलता ही, मतलब क्या बोलते हैं, रैंक में खेलता ही नहीं, और मुझे कलहारी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मेरा कलहारी ही आता है मेरा, इसलिए मैं खेलता ही नहीं उससे। तो गाइस यार मैंने वेस्ट ले चुका हूँ, आपको अगर गन सिलेक्शन में क्लैश कोड के वो वीडियो चाहिए तो ज़रूर बोलना, और बेस्ट कॉम्बिनेशन भी बोलूँगा। और अगर आपको ड्रैग मारना तो गाइस सेंसिटिविटी क्या होता है, थोड़ी जीब लग पा रही है, जीब लग पाई ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ भी। ये देखो भाई देख सकते हो मैंने इसको मतलब गिरा ही दिया, मतलब गिरा, अब खात्मा कर चुका हूँ मैं यार। ग्लूअल गाइस ग्लूअल, हाँ अगर आपको ग्लूअल 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 ही चाहिए थे, ये देख सकते हो गाइस, ये देखो इसका ले ले गया मैं, ये मुझे मारने आया था, और ये जी हाँ गाइस अब ग्रेनेड और ग्लू वॉल दोनों रखा करो यार। ये देखो इधर एक बंदा है, ये देखो मैंने इसको पीछे से लूट लिया। और गाइस गन सिलेक्शन आपको अगर मैं थोड़ी 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 टिप देता हूँ, जब गन सिलेक्शन लो तो ज़्यादातर अगर आप शॉर्ट रेंज का पसंद करते हो तो थॉम्सन और ये दो गोली वाली शॉट गन, क्योंकि थॉम्सन है जो थोड़ी लॉन्ग रेंज में और शॉर्ट रेंज में दोनों परफेक्ट है, और जो दो गोली वाली शॉट गन की तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है, वही अपने एकदम खास। और अगर गाइस आप लॉन्ग में खेलते हो और वो शॉट भी चाहिए तो आपको लेना है दो गोली वाली शॉट गन, और दो गोली वाली शॉट गन आप स्कार फिर AR-94 तो गाइस मैं प्रीफर बहुत कम करूँगा, क्योंकि लॉन्ग रेंज में इतना देती नहीं है, पर शॉर्ट रेंज में हाँ, शॉर्ट रेंज में बहुत कड़क गन है। शॉर्ट रेंज में काफ़ी ओपी गन है गाइस, उनका ज़्यादा शॉर्ट नहीं, तो देखो ये है 94 ड्रैग तो नहीं पड़ा। बस जैसे ही आप नॉक करो किसी को तो ग्रेनेड ज़रूर करना, नेट से होता है क्या है कि ये जो बंदा है ना, बंदे को ड्रैग लगा इसको, अब मैं बस इसको रश करने जाऊंगा, अब देखते हैं रश हो पाता है या नहीं। तो देख सकते हो आप इधर से कि मैं मतलब बंदा दिख ही रहा है, चलो थोड़ा रुक जाओ, ये ट्रिक यूज करते हैं। चलो ओपी तरीके से गाइस मैंने इसको फंसा चुका हूँ शायद तक, तो
ये देखो लूट टूट पड़ते हैं ये लोग एकदम। मेडी वेडी कोई जरूरत नहीं है मेडी की गाइज। यहाँ मैंने मतलब मेरा एक बंदा नॉक हो चुका है और एक का वो भी वेस्ट लूज हो चुका है। अभी मेरी याद आ रही है क्या बोलते हैं ग्रेनेड, वो ग्रेनेड की। और इधर रहते अपने लोग, ये देखो खत्म गाइस। उतरने से पहले बंदे को मार दो उसको। और हाँ गाइस लॉन्ग रेंज में आपको एक्सेमेट भी एकदम ओपी गन है, एक्सेमेट भी उसका तो डैमेज एकदम कड़क वाला है, हाई लेवल डैमेज है उसका। तो गाइस यहाँ मैंने ले लिया M8-2B क्या नाम है भूल गया मैं, और दो गोली वाली शॉटगन। टिप्स में आपको गाइस और क्या चाहिए आप जरूर कमेंट में करो, कमेंट नहीं करते हो गाइस आजकल आप, बड़ी कंजूसाई यार, बड़ी वाली कंजूसाई। और यहाँ पे मैं गाइस टिप लेके बैठा हूँ, जैसे बंदे की मुंडी दिखेगी पाटा से मेरे मुन्ना को। थोड़ा आगे चलते हैं सब कुछ है, तो मैं सोच रहा हूँ ऊपर चले जाऊँ, ऊपर से धन 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 मारेंगे। देखो गाइस अभी इसको पता भी नहीं है मैं ऊपर आ गया, इसका ही फायदा लेते हैं। जाने दे आने दे गाइस, ये टपाक देखो ना गाइस किल उठा लिया करो, ये देखो गाइस स्मोक करने का गाइस स्मोक है ना, एक ऐसी चीज है दिखेगा नहीं किसी को। ये देखो एकदम ओपी तरीके से गाइस मैंने कितने किल करके एक मिनट। चलो ये डायमंड, अरे ये क्या हो गया गाइस, प्लस होना चाहिए माइनस हो गया, चलो कोई बात नहीं ग्लिच हुआ होगा। और ओपी तरीके से मैंने 8 किल के साथ मैंने बूये ले लिया है गाइस। आखिरी बार एक और बार कहना चाहूँगा 150 जल्दी करा दो यार आपके भाई के, और गिव अवे ले जाओ। और गाइस एक और बात कहना चाहूँगा नेट के बारे में, तो नेट अच्छा है तो ही गाइस फ्री फायर खेलो, नहीं तो आपकी बस्ती नहीं है। और ये जो सेंसिटिविटी है ये 100 के आसपास में रखना, ये नहीं कह रहा हूँ कि दम पास में रखो, क्योंकि सेंसिटिविटी है कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो हो जाएगी, तो उससे मतलब अच्छा रहेगा। चलो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाय।